In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. Dear students, our today's topic is chapter 9, the foolish quack. Foolish, आपको पता है, ऐसी नाइन को कहते हैं, stupid, okay? Poor fish भी होता है, oaf भी होता है, flibberty जी bat भी होता है, okay? So quack होता है नीम हकीम. No need for medical college, no need to go for entry test. फीसें भी नहीं, टाइम भी, सिर्फ डॉक्टर के क्लिनिक पे 2 महीने झाड़ू दो, डॉक्टर बन जो, ऐसे क्वैक होते हैं, क्लियर. लेकिन ये जो हमारी स्टोरी का क्वैक है, ये जरा इससे भी गया गुजरा क्वैक है. लेट्स सी. वन इवनिंग, एक शाम को, वन इवनिंग एक शाम को, एज द सन वॉज सेटिंग. स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि सर हंस रहे हैं. हंस इसलिए रहा हूँ कि इस जो फूलिश क्वैक का मेडिकल कॉलेज है ना, जहाँ से ये डॉक्टरी की डिग्री हासिल करेगा, क्लियर, वो शुतरबान है, कैमल मैन है, क्लियर. देखना, सन वॉज सेटिंग, सूर्य गुरूब हो रहा था. सम ट्रेवलर स्टेड, कुछ मुसाफिर रुके टू रेस्ट, आराम करने के लिए. अंडर अ क्लंप ऑफ ट्रीज, दरख्तों के एक झुंड तले, क्लियर, अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज. एंड लूजनिंग देयर कैमल्स, और अपने ऊंटों को बेमुहार छोड़कर, सेट देम टू ग्रेस, उन्हें चरने पर लगा दिया. इट हैपेंड दैट, अमरे वाक्या ये हुआ, यानी हुआ यूं के, वन ऑफ द एनिमल्स, उन जानवरों में से एक, यानी उन घोड़ों में से एक, अच्छा ऊंटों में से, ओके, उन ऊंटों में से एक, एंटर्ड अ मेलन फील्ड, खरबूजों के खेत में घुस गया. एंड दैट अ मेलन स्टक इन इट्स थ्रोट, और एक खरबूजा उसके गले में अटक गया, ऊंट के गले में खरबूजा अटक गया. द ओनर, मालिक ने, सीइंग दिस, ये देखकर, एंड फियरिंग टू लूज द एनिमल, और जानवर को खो देने के डर से, क्लियर, टाइड अ ब्लैंकेट राउंड इट्स थ्रोट, उसके गले के गिर्द एक कंबल बांधा. एंड देन, और फिर कैमलमैन ने क्या किया, स्ट्रक द प्लेस, उस जगह को जहां पे खरबूजा गले में अटका हुआ था, वहां पे स्ट्रक द प्लेस, उस जगह पर जरब लगाई, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी कुव्वत के साथ, विद फुल फोर्स. इंस्टेंटली फॉरन ही द मेलन ब्रोक इन द थ्रोट ऑफ द कैमल, ऊंट के गले में जो खरबूजा था वो टूट गया. एंड इट वॉज देन इजीली स्वॉलोड, फिर इसे आसानी से निगल लिया गया, खरबूजा गले में टूट गया और ऊंट ने उसे निगल लिया. डिवोर्ड, स्वॉलोड, डिवोर्ड, गल्प्ड, क्लियर. अ सर्टन मैन, एक खास आदमी, हु हैड जस्ट कम अप, जो अभी अभी वारिद हुआ था, कम अप यानी इमर्ज्ड, उधर आ निकला था. लुकिंग ऑन, ये देखते हुए, एंड ऑब्जर्विंग, और बगौर मुशाहिदा करते हुए, दिस प्रोसीडिंग, इस कार्रवाई का, प्रोसीडिंग डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, कार्रवाई, कार और रवाई, क्लियर, दो रे आएंगी, डबल आर, डबल रे, सॉरी. एंड शोल्डर्ड हिज बंडल, अच्छा उस बंदे ने इसे देखा, ये बंदा वही है नीम हकीम, क्लियर, फूलिश क्वैक है, उसने देखा कि वाह यार ये तो गाइटर का इलाज कर रहे हैं, गलहड़ का, जिसमें गला फूला होता है, क्लियर. So, उसने शोल्डरिंग हिज बंडल, अपने गठर को अपने कंधे के सपुर्द किया, कंधे पर रखा. एंड गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज, और अगले गांव जाकर, प्रिटेंडेड यानी फेंड, ये ढोंग रचाया, क्लियर, झूठ मूठ का ऐलान किया, दैट ही वॉज अ डॉक्टर, कि वो एक मुआलिज है, वो एक डॉक्टर है. बट वॉट कैन यू क्योर, आस्क द विलेजर्स, देहातियों ने पूछा तुम किस चीज का इलाज करते हो. I can cure the goiter. मैं गलहड़ का इलाज कर सकता हूँ. Goiter, dear students, क्या होता है? गलहड़, जिसमें गला खतरनाक हद तक फूला होता है. Answered the quack. अताई डॉक्टर ने, जाली डॉक्टर, फेक डॉक्टर ने, स्पूरियस डॉक्टर ने जवाब दिया. An old woman, एक बूढ़ी खातून, whose throat, जिसका गला, was swollen, सूजा हुआ था, to a frightful size, खौफनाक हद तक, एक्सक्लेम्ड, बोल उठी, जिसका खौफनाक हद तक गला फूला हुआ था, बूढ़ी औरत बोल उठी, ओ माय सन, ए मेरे बेटे, इफ यू कुड ओनली क्योर माय गॉइटर, अगर तुम सिर्फ मेरे गलहड़ का इलाज कर दो, आई वुड ब्लेस यू फॉर एवर मोर, मैं हमेशा दुआएं दूंगी, बेटा अगर मेरे गलहड़ का इलाज कर दो तो मैं हमेशा दुआएं दूंगी. सर्टनली आंसर्ड द मैन, उस आदमी ने जवाब दिया, यकीनन क्यों नहीं, हियर, इधर आओ, कम, ब्रिंग मी अ ब्लैंकेट, मुझे एक कंबल ला के दो, एंड अ गुड साइज्ड मैलेट, और एक अच्छे खासे साइज का, यानी जिसामत का, यानी बड़ा, गुड साइज्ड क्या होगा, बड़ा मैलेट, यानी लकड़ी का थोड़ा, वुडन मैलेट, क्लियर, वुडन हैमर. उसने कहा एक कंबल ला के दो, और एक क्या ला के दो, लकड़ी का बड़ा हथौड़ा ला के दो. एज सून एज दे ब्रॉट
जो ही वो ये चीजें लाए, कौन सी चीजें? एक ब्लैंकेट, कंबल और एक मैलेट लकड़ी का हथौड़ा. ओके, ही टाइड अप द वुमन्स थ्रोट, उसने औरत के गले को बांध दिया. एंड स्ट्रक द स्वॉलन पार्ट, और फूले हुए हिस्से पर जरब लगाई. विद सो मच फोर्स, इतनी जोर से, दैट पुअर ओल्ड क्रिएचर, कि बेचारी उम्र रसीदा मखलूक यानी बूढ़ी औरत इंस्टेंटली एक्सपायर्ड, फौरन पेरिश हो गई, डाइड हो गई. क्लियर? तो उसने इस कदर जोर से जरब लगाई कि बेचारी उम्र रसीदा बूढ़ी मखलूक फौरन दम तोड़ गई, लुकमा अजल बन गई, खालके हकीकी से जा मिली, दुनिया फानी से कूच कर गई. आह, क्राइड द पीपल, ओह दिस फेलो इज अ विलेन, ये आदमी तो बदमाश है, रास्कल है, क्रिमिनल है. सो दे सीज्ड हिम, लिहाजा उन्होंने उसे दबोच लिया, पकड़ लिया. सीज्ड हिम, ग्रैब्ड हिम, बीइंग माइंडेड, ये इरादा करके, टू कैरी हिम बिफोर द किंग, के उसे बादशाह के हुजूर ले जाएंगे ताकि बादशाह से आसानी से तख्ते पर चढ़ा दे. क्लियर? अब क्या होगा, वन ऑफ देम, उनमें से एक आदमी था, हाउएवर सैड, उनमें से एक ने ताहम ये कहा, क्या कहा, She was a very old woman. वो एक इंतहाई उम्र रसीदा खातून थी, बूढ़ी खातून थी. Who must have died shortly, जो जल्द ही मर जाती, जिसने जल्द ही मर जाना था, in any case, किसी भी सूरत में, यानी जिसकी पहले ही बूढ़ी और बुढ़ापे की वजह से मौत करीब थी, उसने किसी ना किसी सूरत में जल्द ही लुकमाए अजल बन जाना था, मौत का निवाला बन जाना था, सपुर्दे खाक हो जाना था, मनोमट्टी ओढ़ लेनी थी, कब्र में घर कर लेना था. लेट अस देयरफॉर, आइए हम इसलिए, कंपेल द रेच, इस बदमाश को, बदबख्त को, रेच यानी रफियन, बदमाश को हूलिगन भी कहते हैं इसको. क्लियर? सो यू विल कन्फ्रंट दिस वर्ड इन सेकेंड ईयर. सो कंपेल, मजबूर करें, फोर्स करें द रेच, इस बदबख्त को, टू डिग हर ग्रेव, उसकी कब्र खोदने पर. एंड देन वी कैन बीट हिम, फिर हम इसे मार सकेंगे, पीट सकेंगे, पिटाई करेंगे. And let him go, और उसे पिटाई करने के बाद उसको जाने देंगे. So they took him, लिहाजा उन्होंने उसे पकड़ा. And let set him to work, काम पर लगा दिया. But the ground was so stiff and hard, जमीन इतनी stiff, ठोस, hard, सख्त थी, that he made slow progress, कि उसने काम बहुत सुस्त रवि से जारी रखा. नेक्स्ट, इफ यू डू नॉट डिग इट, अगर तुम इसे नहीं खोदोगे, दे सैड, उन्होंने कहा, बिफोर द किंग यू शैल गो, तो तुम्हें बादशाह के हजूर पेश किया जाएगा. एंड देन यू विल बी हैंग, और फिर तुम्हें लिंच कर दिया जाएगा. LYNCH, लिंच क्या होता है, फांसी देना. हैंग, तख्ता पर लटकाना, तख्ते की सपुर्द करना. दस पस, चुनाचे, exhorted यानी मजबूर, urged या pressurized. exhorted क्या होगा dear students, this is one of the hot favorite word for examiner. urged या pressurized the unfortunate man, उस बदकिस्मत आदमी ने, in the greatest fear, इंतहाई खौफ के आलम में, labored away with all his might, अपनी पूरी कुव्वत के साथ मशक्कत करता रहा. with all his might, पूरी कुव्वत से, labored away, मशक्कत करता रहा. and at last, और बिलाखिर, आखिरकार, when the villagers saw, जब देहातियों ने देखा, that के he had finished his task, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका था. and buried the victim of his mistaken, of him near dear student, he is clear, of his mistaken treatment, अपने गलत इलाज के शिकार को, victim, शिकार, mistaken treatment, गलत इलाज, wrong treatment. तो फिर क्या हुआ, दे बीट हिम वेल, उन्होंने उसकी खूब पिटाई की. एंड लेट हिम गो, और उसे जाने दिया. सो दैट्स द एंड ऑफ पार्ट वन डियर स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी मूव ऑन टू पार्ट टू.